जी बेटा, तो हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा कि अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 2 करो और फिर जमा 4 डिवाइडेड बाय 2 करो, या अब ये चूंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों को जमा करेंगे 8 बनेगा, या आप 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो आंसर सेम आएगा। ऐसे ही है, निकाल के देखो जरा आंसर। ऐसे ही 4 आंसर आता है दोनों फोर आंसर आएगा ना दोनों का। तो यही काम हमने यहाँ पे किया, पहले हमने का। सम कर लिया, बाद में हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पहले डिवाइड कर लो, बाद में सम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ लें अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि यही एक इसके अंदर पॉइंट है जो कि आपने समझना है, उसके बाद आगे तो आसान है काम। किसी को समझ नहीं आई या क्लियर नहीं हुई बात, तो वो फिर से पूछ सकता है। हाँ क्लियर है भाई, आगे चलें। जी सर। ओके, सो ये आ गया वैरायटी का एसेस, ये आ गया टोटल का सम स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरर का सम स्क्वायर। तो जो ई है, मैंने आपको बताया था जैसे कि ई का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे निकाला था, टोटल माइनस वैरायटी। तो सम ऑफ स्क्वायर का भी वही सेम फार्मूला होगा, सम ऑफ स्क्वायर का भी सेम फार्मूला होगा, टोटल माइनस वैरायटी, यानी कि ठीक टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस वैरायटी सम ऑफ स्क्वायर। कितना फोर्टीन आंसर आएगा? 14। वेरी नाइस, ठीक हो गया जी। अब एसएस का कॉलम कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे एमएस के कॉलम की तरफ, यानी कि मीन स्क्वायर के कॉलम की तरफ। मीन स्क्वायर का जो फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि जब हमने वैरायटी का एमएस निकालना है, तो फार्मूला होगा वैरायटी का एसएस डिवाइडेड बाय वैरायटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही जब हमने एरर का एमएस निकालना है, तो फार्मूला होगा एरर का एसएस डिवाइडेड बाय ई का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, क्लियर है? तो निकालें जरा, वैरायटी का एमएस निकालें, कितना निकलेगा? एक बार रिपीट कीजिएगा मैंने एमएस कहा कि मीन स्क्वेयर जो है, मीन स्क्वेयर का फार्मूला है सम ऑफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना? अब जब हमने वैरायटी का एमएस निकालना से। है, तो सम ऑफ स्क्वेयर किसका यूज करेंगे? वैरायटी का यूज करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका यूज करेंगे? वैरायटी का यूज करेंगे। तो अब जब हमने वैरायटी का एमएस निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा? 366.89 डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करेंगे? टू टू पे। टू पे क्यों टू करेंगे? बिकॉज, जी बेटा, 183.445 183.45, फोर फाइव ठीक हो गया ना? आपने कहा था पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपने रखना है। अच्छा, ऐसे ही जब हम, बेटा आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए। मैंने कहा बेटा जो फार्मूला है एमएस का, वो है सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब हमने वैरायटी का एमएस निकालना है, तो वैरायटी एसएस डिवाइडेड बाय वैरायटी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वैरायटी एसएस कितना है? 366.89 है ना, और वैरायटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 है, ठीक है, टू इसलिए 2 पे डिवाइड कर दिया। ओके ओके, अब हम चलेंगे एरर की तरफ या ई की तरफ। तो ई का एमएस जब निकालेंगे, तो ये निकलेगा ई एस एस डिवाइडेड बाय ई डी एफ। अब ई एस एस कितना है? सिक्स ई एस एस फोर्टीन 14 डिवाइडेड अच्छा बाय डी टोटल एफ। जी, टोटल तो 2.33 आएगा। यस, 2.33 आएगा।
ठीक हो गया ना. तो 14 डिवाइडेड बाय 6 और आंसर क्या निकलेगा 2.33. क्लियर हो गया जी. अच्छा जी, ये एमएस निकला है. अब हमने हमें टोटल का एमएस नहीं चाहिए, टोटल का सिर्फ एसएस चाहिए था, टोटल का एमएस हम नहीं निकालते. ओके हो गया जी. ओके जी, अब आगे चलते हैं एफ वैल्यू की तरफ. तो एफ कैलकुलेटेड का जो फार्मूला है वो है टोटल का सर क्यों लेते हैं बेटा, रिक्वायर्ड नहीं है आगे फार्मूले में, आगे रिक्वायर्ड नहीं है हमें. ठीक सर, वो रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें ना जस्ट वैराइटीज को कंपेयर करना है ना. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वैराइटीज का कंपैरिजन है ना. जी सर. एनोवा के अंदर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो हम करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअल हम क्या देखते होते हैं कि ये जो वैराइटीज हैं तीनों इनमें वेरिएशन है या नहीं, यही काम करते हैं ना. तो इसलिए हमें जो एक्चुअल वैल्यू चाहिए वो वैराइटीज की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम टोटल को जहां तक, चूंकि एज सम ऑफ स्क्वायर तक टोटल ने यूज होना था ई का एसएस निकालने के लिए, ठीक है, इसलिए हमने इसका टोटल का एसएस हमें निकालना पड़ा. अब चूंकि एमएस के अंदर हमें जरूरत नहीं है एरर का एमएस निकालने के लिए, टोटल के एसएस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसका एमएस नहीं निकालेंगे, हम जस्ट वैराइटी का और एरर का एमएस निकालेंगे. अब हम चलते हैं एफ कैलकुलेटेड की तरफ. तो एफ कैलकुलेटेड का फार्मूला है वी एम एस डिवाइडेड बाय ई एम एस. वी एम एस का मतलब है वैराइटी का मीन स्क्वायर और ई एम एस का मतलब है एरर का मीन स्क्वायर. तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, क्या आंसर आएगा, नहीं समझ आई. एफ कैलकुलेटेड 78.7. एफ कैलकुलेटेड निकलेगा 183.45 डिवाइडेड बाय 2.33 और आंसर क्या आया 78.73. ओके 78.73 ठीक हो गया जी. अब ये वैल्यू आ गई है कैलकुलेटेड वैल्यू एफ की, ठीक है. अब हमने टेबल वैल्यू देखनी है जिसके साथ हम एफ कैलकुलेटेड को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ताकि हमें पता चले कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ग्रेटर है या ये स्मॉलर है, क्या V1, V2 और V3 के अंदर वेरिएशन मौजूद हैं या वेरिएशन मौजूद नहीं है. ठीक हो गया जी. अब हम या ये आपकी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई, एनोवा टेबल इतना ही है. इसके बाद जस्ट हमने टेबल वैल्यू देखनी है और उसको हमने कंपेयर करना है. कैलकुलेशन यहाँ तक ही है. यहाँ तक कैलकुलेशन के अंदर कोई आपने क्वेश्चन करना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम वहां पे आगे चलेंगे टेबल वैल्यू की तरफ. No, चले ये इतना सो पार्ट है ना, ये मैं रिपीट करता हूँ. हमारे पास एक सिंपल डाटा था जिस जो कि था नंबर ऑफ बॉल्स इन कॉटन, उसके अंदर हमारे पास तीन वैरायटीज थी और हर वैरायटी तीन दफा रिपीट हुई थी. हमने उसको एक टेबल फॉर्म में लिख लिया सारे डाटा को. अब चूंकि हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल बनाना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल निकालने हैं. तो पहले वैरायटीज का टोटल निकाला, उसके बाद रिपीट्स का टोटल निकाला और उसके बाद ग्रैंड टोटल निकाला. अब निकालने के बाद अब हमने एनोवा टेबल की तरफ चले जाना है. एनोवा टेबल कंप्लीट करने के लिए चूंकि हमें सबसे पहले पहला जो फार्मूला है वो हमने करेक्शन फैक्टर निकालना है. तो करेक्शन फैक्टर का फार्मूला था ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ग्रैंड टोटल था 197, उसका स्क्वायर लिया, 9 पे डिवाइड किया, करेक्शन फैक्टर निकल आया. अब हमने निकालने हैं सम सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी. अब हमने डिग्री ऑफ
फ्रीडम निकालने हैं तो सबसे पहले एसओवी जो है वो है वैरायटी, देन है टोटल और आखिर पे है एरर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने आपको फार्मूला बताया था कि टोटल माइनस वन होगा, तो सबसे पहले टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालेंगे, तो वो होगा टोटल है 9 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा 8। ऐसे ही वैरायटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2 निकल आएगा। अब हमने एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, टोटल माइनस वैरायटी का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो आ जाएगा 6। ठीक हो गया जी। ओके उसके बाद हमने निकालने हैं सम ऑफ स्क्वेयर, तो पहले निकलेगा टोटल का सम ऑफ स्क्वेयर, जब टोटल का सम ऑफ स्क्वेयर निकलेगा तो फिर टोटल वैल्यू का हम स्क्वेयर लेंगे, वैल्यू 1 का 2 का 3 का और माइनस क्वेश्चन फैक्टर कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एसएस निकल आएगा टोटल का। अब हमने वैरायटी का एसएस निकालना है तो अब हम वैरायटीज का टोटल यूज करेंगे, वैरायटी 1 का टोटल उसका स्क्वेयर प्लस वैरायटी 2 का टोटल उसका स्क्वेयर प्लस वैरायटी 3 का टोटल उसका स्क्वेयर, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे और माइनस क्वेश्चन फैक्टर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 366.89। अब हमने E का एसएस निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जैसे E का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था बिल्कुल वैसे ही टोटल का एसएस माइनस वैरायटी का एसएस इज इक्वल टू E का एसएस, तो ये E एसएस निकला है 14। अब हमने MS निकालना है तो MS का फार्मूला है सम ऑफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वैरायटीज का जो है उसके लिए वैरायटी एसएस डिवाइडेड बाय वैरायटी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जब एरर का निकालेंगे तो क्या होगा, एरर का एसएस डिवाइडेड बाय एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आ गया। अब हमने F कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है तो उसका फार्मूला है VMS डिवाइडेड बाय EMS, तो VMS था 183.45 और EMS था 2.33, तो उनको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 78.73। तो ये F वैल्यू आ गई। अब हमारा चूंकि ऑब्जेक्टिव था कि हमने तीनों वैराइटीज को कंपेयर करके बताना है कि उनमें वेरिएशन है या नहीं, तो अब हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई F, F टेबल F कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमने इसको किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना है ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास वेरिएशन मौजूद थी या वेरिएशन मौजूद नहीं थी। ठीक है जी, टेबल वैल्यू निकालनी है, टेबल वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, अभी मैं आपको टेबल की तरफ लेके जाता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने पहले कभी ये वर्ड सुना है, सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सुना कभी? यस सर। यस सर सुना। क्या होता है? परसेंटेज में शो होता है अल्फा इक्वल टू। अल्फा बोलते हैं इसको। वेरी गुड। यस। सो इसका मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आपको पता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली अल्फा है। ये हम अपना मोस्ट प्लांट साइंसेस के अंदर दो लेवल पे यूज करते हैं अल्फा को, या तो हम यूज करेंगे 5% या हम यूज करेंगे 1%। 5% का क्या मतलब है? अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो उसका मतलब क्या बनता है, पता है किसी को? 5/5 मतलब क्या बनता है इसका? मतलब क्या है सर के जो वैल्यू आई है जिसका हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल रहे हैं वो अपने 5% तक 5% डेविएट हो सकती है, इस तरह का डेविएट हो सकती है। वेरी गुड। 5% का मतलब ये है कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो 95% एक्यूरेट है। समझा गया ना? यानी कि हमें अपने रिजल्ट्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो 95% कॉन्फिडेंस है, 5% हमें कॉन्फिडेंस नहीं है।
अब अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमें अपने रिजल्ट्स के ऊपर 99% कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो प्लांट साइंसेस के अंदर ये दो लेवल पे ही यूज होता है, इसलिए जो एफ टेबल वैल्यू है वो हम दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे, 5% पे और 1%, ठीक है जी। तो अब मैं आपको एफ टेबल दिखाता हूं, ये आपके सामने एक टेबल शो हो रहा है इस वक्त, शो हो रहा है भाई? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा कितना लिखा हुआ है? 0.05 0.5 क्या हुआ? 0.05। तो अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो कितने परसेंट बनता है भाई? 5% होगा, ठीक है। तो हमने ये टेबल यूज करना है, ये बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे। अब इसमें से वैल्यू कौन सी लेनी है हमने? तो समझ नहीं आई, रिपीट करता हूँ, हमने एफ टेबल वैल्यू देखनी थी ना जी सर। तो मैंने आपको बताया था कि हम मोस्टली प्लांट साइंसेज के अंदर दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट यूज करते हैं, कौन कौन से हैं? 5% और 1%। 5% और 1%, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा था जी सर, क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि जो हमने एफ टेबल की वैल्यू देखनी है वो हमने दो लेवल्स पे देखनी है, एक हमने देखनी है 5% पे और दूसरी देखनी है 1% पे, ऐसे ही है ना? 1% यस सर जी सर। तो ये 5% वाला टेबल है, इसी तरीके से इसके बाद हम 1% वाला टेबल भी निकाल लेंगे, वो हम बाद में निकालते हैं, पहले हम इसको देख लें। यहाँ दूसरा टेबल भी होगा, मैं वो भी 80 दफा निकाल लूं ताकि हम दोनों में एक ये आ गया। ये क्लियर क्यों नहीं है यार? अच्छा अभी हो रहा है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंटरनेट स्लो है, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। तो ये आप हम जस्ट ऐसे जैसे टेबल से वैल्यू देखनी है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है जी। ये 1% पे है और ये कितने परसेंट पे है? ये है 5% पे, ठीक है ना। अब हमने वैल्यूज देखनी कैसे हैं? अब यहां पे वापस आ जाएं, थोड़ा सा मैं आपको यहां से समझा दूं। जब हमने ये एफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली थी तो हमने कैसे डिवाइड किया था? वाईटी एमएस डिवाइडेड बाय ऐसे है ना। एफ टेबल वैल्यू देखने के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अगेंस्ट हमने एफ टेबल वैल्यू देखनी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास चूंकि हमने दो वैल्यूज को डिवाइड करके एफ वैल्यू निकाली थी तो एफ टेबल वैल्यू के लिए भी हम दो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे, एक होगी वैरायटी की और दूसरी होगी
एरर की, ठीक है, समझा गया ना। आप टेबल पे कैसे देखेंगे, टेबल के अंदर जैसे यहाँ पे इन्होंने इस टेबल के अंदर ज्यादा वाजे किया हुआ है कि ये वैल्यू है न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम की। न्यूमरेटर क्यों, कौन सी चीज है, वैरायटी न्यूमरेटर में थी या एरर न्यूमरेटर में थी। हमने जो फार्मूला यूज किया था एफ कैलकुलेटेड का, जो हमने एफ कैलकुलेटेड का फार्मूला यूज किया था उसमें न्यूमरेटर वैल्यू जो है वो वैरायटी की थी या एरर की थी। न्यूमरेटर का मतलब है जो जो उसके इक्वेशन की अपर साइड पे होगा, ठीक है ना। तो डेट मीन्स के जो डिग्री फ्रीडम वन है ये किसकी डिग्री फ्रीडम यूज होगी, वैरायटी की, और ये जो डिग्री फ्रीडम टू है ये किसकी यूज होगी, ठीक हो गया ना। सो अपना वैरायटी की डिग्री फ्रीडम कितनी थी बेटा, टू थी और एरर की कितनी थी, सिक्स की। तो डेट मीन्स के टू के अगेंस्ट हम सिक्स की वैल्यू देखेंगे, कौन सी वैल्यू बनेगी, ये वाली 10.925, ठीक है ना। तो एफ टेबल वैल्यू ये 1% वाली थी ना, जी सर, 1% पे 10.925 ऐसे यदि। अब हम देखेंगे 5% वाली वैल्यू वो क्या होगी, वो हम इस दूसरे टेबल से देख लेंगे। ऊपर वाली लाइन में ये 2 यूज होगा और नीचे वाली लाइन में क्या यूज होगा, 6 यूज होगा। तो 6 के अगेंस्ट 2 को देखेंगे क्या वैल्यू आई, 5.14, ठीक है जी। तो 5% पे वैल्यू है 5.14। अब ये वैल्यू देख ली टेबल के साथ हमने, अब कंपैरिजन की बात आ गई। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, अच्छा कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बता दूं जो मैं ख्याल आप लोगों ने सुनी होंगी पहले भी। सिग्निफिकेंट और हाईली सिग्निफिकेंट, सुनी हुई है दोनों टर्म्स, क्या होती हैं ये, सिग्निफिकेंट और हाईली सिग्निफिकेंट, ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने किस किस ने सुनी हुई है, कहाँ चले गए हबीब, नहीं सुनी सर, नहीं सुनी, चलो कोई बात नहीं सर। सिग्निफिकेंट का मतलब है, सिग्निफिकेंट और हाईली सिग्निफिकेंट का मतलब है कि अगर पहले सिग्निफिकेंट की बात करते हैं, अगर हमारी वैल्यू जब हमने 5% के साथ कंपेयर किया उस वैल्यू से अगर एफ कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हो एफ टेबल वैल्यू से एट 5%, तो जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो होंगे सिग्निफिकेंट। फिर से सुनना जरा, अगर हमारी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू एफ टेबल वैल्यू एट 5% से ग्रेटर होगी तो हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट। हाँ, लेकिन अगर हमारी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू एफ टेबल वैल्यू एट 1% से भी ग्रेटर हो तो हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, हाईली सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि हमें अपने रिजल्ट्स के ऊपर 95% कॉन्फिडेंस है, और हाईली सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि हमें अपने रिजल्ट्स के ऊपर 99% कॉन्फिडेंस है। तो अब ये बात आपने गौर करनी है कि हमेशा जो 5% पे वैल्यू होगी वो छोटी होगी कंपेयर टू 1% वाली वैल्यू से, समझा गया ना बात। 5% वाली वैल्यू हमेशा स्मॉलर होगी कंपेयर टू
5% वाली वैल्यू, सॉरी 1% वाली वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे तो 5% वाली हमेशा छोटी होगी, ठीक है जी। अब यही जो कंपैरिजन का हमने रूल बताया, इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है ये सिग्निफिकेंट है या हाईली सिग्निफिकेंट है? दोनों ही है, ठीक है, दोनों ही है सिग्निफिकेंट भी है और उसके बाद हाईली सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है ना। तो अगर दोनों ही हो तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, ये देखें, अगर दोनों ही हो तो हम ये लिखेंगे द एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज हाईली सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं लिखेंगे, हाईली सिग्निफिकेंट लिखेंगे। क्यों हाईली सिग्निफिकेंट लिखेंगे? बिकॉज ये 1% पे भी ग्रेटर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स देयर इज डिफरेंस और वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द वैरायटी। समझा गया भाई? एफ कैलकुलेटेड क्योंकि हाईली सिग्निफिकेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स देयर इज डिफरेंस और वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द वैरायटी। तो इसका मतलब कि हमारी जो वैरायटी थी ना तीनों, इन तीनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस या कुछ ना कुछ वेरियस मौजूद है, दैट मीन्स के दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समझ आ गई है ना? हमारा एक्चुअली एनोवा बनाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कंपैरिजन करना कि जो हमारे पास वैरायटीज हैं वो हम उनको कैसे कंपेयर कर, हम कंपैरिजन ऑफ मीन्स की बात कर रहे हैं ना इस वक्त, तो ये हम इनको कंपैरिजन कर रहे हैं। तब रिजल्ट्स के अंदर जब हमारे पास हाईली सिग्निफिकेंट आएगा तो हमने एफ कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर स्टार लगाने हैं। अगर हमारा रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट हो तो हम एक स्टार लगाते हैं, और अगर हाईली सिग्निफिकेंट हो तो हम टू स्टार लगाते हैं, और अगर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो उसके लिए हम NS लिखते हैं। समझ आ गया भाई? अगर हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट हो तो हम एक स्टार लगाते हैं, अगर हाईली सिग्निफिकेंट हो तो टू स्टार लगाते हैं, और अगर नॉन सिग्निफिकेंट हो तो क्या करते हैं? NS लिखते हैं। समझ आ गई ना? जी सर। वो हम किसके ऊपर लिखेंगे? F कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिख दिया, अब हम ये पता चल गया कि ये जो वैरायटीज थी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है। अब जब डिफरेंस मौजूद है तो बीइंग अ प्लांट ब्रीडर हमें वेरिएशंस चाहिए। अब जब वेरिएशन मौजूद है तो अब यहाँ पे प्लांट ब्रीडर का काम शुरू होगा। अब हम इन वैरायटीज को आपस में कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी एक वैरायटी डिफरेंट है या कौन सी दो वैरायटीज डिफरेंट है। जो वैरायटीज डिफरेंट होंगी उनको फिर हम आगे अपना ब्रीडिंग के अंदर यूज करेंगे। बात समझ आ गई है ना? जी सर। ठीक हो गया। तो ये इनिशियल जो है वो टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमने आगे जो है वो वैरायटी यूज करेंगे। जो वैरायटी डिफरेंट होंगी ना दो एक दूसरे से, फॉर एग्जाम्पल तीन वैरायटीज हैं, तीन वैरायटीज में से दो वैरायटीज एक जैसी हैं, तीसरी वैरायटी डिफरेंट है, तो वो जो डिफरेंट वैरायटी होगी वो हम यूज करेंगे, बिकॉज हमें वेरिएशंस चाहिए। जी सर। ठीक है ना? तो वो तो आगे जाओ हम कंटिन्यू करेंगे एक्सपेरिमेंट को बाद में, बट यहाँ तक जो है ये हमने जस्ट इनका कंपेरिजन कर लिया मीन्स का। अगर हमारे पास वेरिएबल्स दो से ज्यादा हो, तो इस केस में हमारे पास तीन वेरिएबल्स थे, तीनों वेरिएबल्स का हमने पहले डाटा लिया, इनका टोटल निकाला, फिर हमने सब SOV निकाला, सोर्स ऑफ वेरिएशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, फिर सम ऑफ स्क्वेयर निकाला, फिर मीन स्क्वेयर निकाला, एफ कैलकुलेटर निकाला, और उसके बाद एफ कैलकुलेटर को एफ टेबल के साथ कंपेयर कर लिया। तो ये जो है आपका एनोवा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आउट कीजिएगा।
सॉरी सर, इस बार अपनी स्क्रीन को सर ये है ना जूम आउट कीजिएगा, मतलब कि ना एक पेज एक स्क्रीन पे कीजिएगा। ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है सर, ये भी शेयर हो जाता है आपके साथ। ओके सर, डोंट वरी। ये आप लोग, ये मैंने एक्चुअली लिखने का मेरा मकसद ही यही था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेक्चर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? नो सर। ओके, अच्छा आप लोग सबसे पहले ये करें कि अभी ये जो आपका ग्रुप चल रहा है तो इसके अंदर जो है आप लोग इसी में चैट के अंदर ही अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स लिख के भेज दें अटेंडेंस के लिए। सर नेम भी? हाँ नेम भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। अच्छा एक बात तो हो गई है, अब आगे चलें। आप लोगों का आज का क्या काम है कि अब जब हम नेक्स्ट वीक इसी दिन मिलेंगे या सॉरी मंडे वाले दिन मिलेंगे तो आपने एक काम करके आना है। आपकी ये समझ लें, यू कैन से असाइनमेंट नंबर वन है, आप लोगों ने यही यूज करना है। ये मैं आपको यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। ये एक मैं टेबल यहाँ पे बनाता हूँ। ये आपके पास आर वन आर टू आर थ्री वी वन वी टू वी थ्री। ठीक हो गया जी। ये आपके पास टेबल है, असाइनमेंट वन है ये। आपने इस टेबल के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी आप वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। यूज एनी वैल्यूज एंड कंप्लीट द एनोवा। ठीक है जी। और किस हर स्टूडेंट की वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए, ये ना हो कि एक स्टूडेंट ने वैल्यू यूज की, उसने कंप्लीट किया और फिर उसने सबके साथ वही शेयर कर दिया। हर स्टूडेंट्स की अपनी वैल्यूज हो। ठीक हो गया ना? राइट सर, आपने कहा ये असाइनमेंट नंबर वन है। जी जी, टू है ये। टू सर, पहले वाली भी तो असाइनमेंट है, भी आपने दी है। ये टू हो गई, ये टू हो गई। सॉरी इमरजेंसी निकल गई पहली वाली, ये टू हो गई। अभी ठीक है? यस सर।